से इंटरनेशनल रिलेशंस की टू मिनट सीरीज में हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आप फ्रीक्वेंटली न्यूज में सुनते हैं ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन ठीक है पहला कंसेप्ट जिससे आज स्टार्ट करेंगे वो है सॉफ्ट पार ठीक है सॉफ्ट पार सॉफ्ट पावर का जो कंसेप्ट है वो दिया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं जोसेफ नाए जोसेफ नाए ने दिया था इन नाइनटीन एटीज इन द कंटेक्सट ऑफ कोल्ड एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या बोलते हैं जोसेफ नाए इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू गेट वॉट इट वॉन्ट्स थ्रू अट्रैक्शन रादर दैन कोवर्जन और पेमेंट्स ठीक है क्या मतलब हुआ इसका कि सामने वाली कंट्री द वर्ल्ड कंट्रीज वो आपकी बात क्यों मानेंगी क्योंकि दे लाइक यू दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू ना कि बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ यू इसलिए नहीं कि आप उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो बिकॉज दे सी वे यू आर कमिंग फ्रॉम ठीक है ये अट्रैक्टिवनेस एक कंट्री की आती कहां से है कंट्री के कल्चर से उसके पोलिटिकल आइडिया से एंड उसकी पॉलिसीज से ठीक है ना एफ बोलते हैं सॉफ्ट पेयर इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ थ्री रिसोर्सेज क्या है ये तीन रिसोर्सेज पहला हो गया कल्चर कल्चर का अगर आप बेस्ट रिसेंट एग्जाम्पल देखें तो इट इज योगा ठीक है योगा इंडिया का इनहेरेंट इंडिया के कल्चर का इनहेरेंट पार्ट है योगा इज बेनिफिशियल फॉर एवरी वन हेल्थ वर्ल्ड कंट्रीज ने ये देखा उसको अपनाया इंडिया ने जाके यू एन में बोला लेट्स हैव इंटरनेशनल योगा डे एंड एवरी ईयर एज यू ऑल नो ट्वेंटी फर्स्ट जून को वी हैव इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड होल हार्टेडली ठीक है दूसरा एग्जाम्पल है हमारी पोलिटिकल वैल्यूज़ पोलिटिकल वैल्यूज़ का अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो है नॉन अलाइन मूवमेंट ठीक है सबने पढ़ा इसके बारे में तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ आपके पास वन ऑफ द एग्जाम्पल इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने कंसिडरिंग क्लाइमेट चेंज जो भी प्रॉब्लम वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ फेस कर रही हैं उसको देखते हुए इंडिया प्रपोज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड बिकॉज वर्ल्ड ने देखा कि इंडिया के पास उस चीज़ की लेजिटमेट एंड मॉरल अथॉरिटी है इंडिया खुद भी एफर्ट्स डाल रहा है एंड इंडिया इज इनवाइटिंग द वर्ल्ड टू कम ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो अभी आप देखेंगे कि दुनिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है हमारा वो कंट्रीज की जो एड ऑन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है ठीक है अब अगर हम इसमें हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखें तो इंडिया के पास बड़ी सारी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ हैं महात्मा गांधी हो गए महात्मा गांधी किस चीज़ से एसोसिएटेड है नॉन वायलेंस से रबिंद्र नाथ टैगोर हो गए पोएट्री एंड लिटरेचर गीतांजलि का नाम सब ने सुना होगा है ना फिर इंडिया के पास और क्या रिच है क्या रिचनेस है लिटरेचर हो गया इंडिया का म्यूजिक डांस हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होगी आयुर्वेदा हो गया दीज आर अ होल एरे ऑफ अदर थिंग्स विच मेक्स इंडिया वेरी अपीलिंग वेरी लाइकेबल टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अगर हम नॉन वायलेंस का कंसेप्ट लें तो हम कहाँ से चलता आ रहा है नॉन वायलेंस का कंसेप्ट गांधी जी ने तो जो आगे दिया दिया बट वी हैव हैड द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस सिंस द टाइम ऑफ बुद्धा एंड अशोक इतनी पुरानी कल्चरल कल्चरल टीचिंग है हमारी ये ठीक है थीके, अगर हम अपने उपनिषद्स की बात करें तो हमने कंसेप्ट दिया हमारे उपनिषद्स ने वसुदेव कुटुंबकम ठीक है विच लिटरली मीन्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली एंड इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट भी करा है हमने हमसे जहाँ जिसको भी जितनी भी ज़रूरत बन पड़ी है जितना हमसे हो पाया हमने करा वेदर इट इज़ अफगानिस्तान वेदर इट इज़ नेपाल ठीक है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साथ हमने अफ्रीकन कंट्रीज की भी हेल्प करी है अलग अलग फील्ड्स में वेदर इट इज़ इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन्स वेदर इट इज़ इन द फील्ड ऑफ साइक्लोन्स वेदर इट इज़ इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी वेदर इट ज इन द फील्ड ऑफ आर्म्ड असिस्टेंस ठीक है गांधी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वस जो था उसमें नेहरू जी ने बोल दिया था कि हम किसी भी वर्ल्ड ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे हम पीसफुल कंट्री हैं एंड हेंस वी विल हैव द पंचशील इसमें क्या हुआ बुद्धा एंड अशोका के टाइम से हमने ये सीखा है हमने अडॉप्ट करा एंड और वर्ल्ड कंट्रीज ने आके हमारा साथ दिया ठीक है अगर इफ यू सी इट इन डेप्थ यूएन के बेसिस ही बुद्धा एंड अशोका है ठीक है जी अगर हम कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देखें तो द बेस्ट एग्जाम्पल अभी विच कम्स टू माइंड इज वैक्सीन मैत्री वैक्सीन मैत्री में इंडिया ने मिलियंस ऑफ डोजेस ऑफ वैक्सीन डिस्पैच करी हैं इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन हमारे साउथ एशियन नेबर्स से लेके और बहुत सारी कंट्रीज को जिनको भी जरूरत थी ठीक है अगर आप ये पिक्चर देखें क्लोजली ये पैकेज है जिसमें इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिस्पैच करी थी इसके ऊपर अगर आप देखें ये लिखा हुआ है सर्वे संतु निरामया अगेन इट इज फ्रॉम आर एंशियन टेक्सट इसका क्या मतलब हुआ मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज ठीक है दिस इज इंडिया शोइंग इट्स कल्चरल रिचनेस इंडिया की इस हेल्प की बहुत लोगों ने uh, सराहना करी बहुत लोगों ने इंडिया को थैंक यू बोला है अगर छोटा सा एग्जाम्पल लूँ मैं जहाँ पे आपको कल्चर टू कल्चर रेसिप्रोकेशन दिखेगा तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इंडिया को थैंक करा बोला थैंक यू इंडिया फॉर द संजीवनी बूटी अगेंस्ट कोविड ठीक है एंड दिस इज वॉट ही ट्वीटेड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इन द रिस टाइम्स ऑफ कल्चर टू कल्चर रेसिप्रोकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ठीक है आगे बढ़ते हैं हमने अपने नेबर उड फर्स्ट इनिशिएटिव को आगे रखते हुए हमने अपने जो फर्स्ट कंसाइनमेंट्स हैं वो अपने इमीडिएट नेबर्स बांग्लादेश भूटान मालदीव्स म्यांमार नेपाल ऐसी कंट्रीज जिनसे हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं बट वो अपनी हेल्प खुद करने में सक्षम नहीं है इसलिए हमने उनको पहले वैक्सीन्स दी हैं ठीक है थीक्या? हमारे इंडियन ओशन पार्टनर्स हो गए मॉरिशस हो गया सेशल्स हो गया हमने इनको भी बहुत हेल्प करी है अब बात करें गावी की गावी क्या है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन ये ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन का इंडिया 2014 में वाज़ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटिंग कंट्री जिसने डोनेट करे थे चार मिलियन डॉलर्स। कितने टाइम पीरियड के लिए फोर इयर्स फ्रॉम 2013 टू 2016 2018 में इंडिया ने अपना कमिटमेंट डबल कर दिया ठीक है डबल कर दिया अब इंडिया को जब जरूरत है तो गावी हैज कम फॉरवर्ड एंड सेड इंडिया रिसीव इतनी मिलियन का फुली सब्सिडाइज कोविड वैक्सीन एंड फंड्स इतना फॉर अर्जेंट टेक्निकल असिस्टेंट एंड असिस्टेंस एंड कोल्ड चेन इक्विपमेंट आप ये देखें तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया हेल्पिंग द वर्ल्ड आउट एंड वर्ल्ड गिविंग इट बैक दिस इज वट इज डीप रूटेड इन आर कल्चर एंड कमिंग बैक टू अस ठीक है ये तो हो गया हमारा परसेप्शन इंडिया को लेके हाउ वी सी इंडिया वी बींग इंडियंस वी सी इंडिया बट हाउ द क्वेश्चन इज हाउ द वर्ल्ड सीज इंडिया दुनिया इंडिया को कैसे देखती है नो मैटर इंडिया इज अ वेरी रिस्पेक्टेड कंट्रीज बट यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या सॉफ्ट पार अगर आप सॉफ्ट इंडेक्स थर्टी सॉफ्टवेयर थर्टी इंडेक्स देखें जिसमें वर्ल्ड की टॉप थर्टी मोस्ट ऐसी कंट्रीज को जगह मिलती है जो विच आर कंसिडर्ड टू बी एज बिगेस्ट सॉफ्ट उसमें इंडिया का कहीं नाम ही नहीं है एंड शॉकिंगली चाइना रशिया और टर्की जैसी कंट्रीज हैव फाउंड अ प्लेस देयर इवन इजराइल अगर आप आ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्लाइड देखें तो यूनाइटेड किंगडम जर्मनी यूएस फ्रांस दीज आर द टॉप मोस्ट कंट्रीज ये देखिए इजराइल टर्की मेक्सिको चाइना इनकी भले ही रैंकिंग लुआ है बट दे हैव हाँ फाउंड अ प्लेस देयर इंडिया की इंडिया को यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं मिली है इसके एन नंबर ऑफ रीजंस हैं है ना इंडिया की पर कैपिटा इनकम हो गई इंडिया के स्टार्टअप इश्यूज जो हैं फंडिंग इश्यूज हैं टैक्स इश्यूज हैं ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में आगे आने वाली आ, सीरीज में डिस्कस करेंगे इन डिटेल ठीक है अब द क्वेश्चन इज सॉफ्ट पावर कोशंट जो एक कंट्री का होता है वो आता कहाँ से है ठीक है सॉफ्टवेयर कोशंट ऑफ अ कंट्री इज नॉट अबाउट इफेक्टिवनेस और प्रोपगैंडा सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं आता है कि इंडिया क्या करवा सकती है इंडिया ने क्या करवा लिया या कोई भी कंट्री क्या करवा सकती है कोई भी कंट्री ने क्या करवा लिया सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पावर जो अथॉरिटी uh, है जो कोशंट है वो एक कंट्री डराइव करती है कहाँ से हाउ अदर कंट्रीज इनहेरेंटली सी यू दूसरी कंट्रीज वर्ल्ड आपको कैसे परसीव करता है एक कोई भी सिविलाइजेशन है उसकी जो प्रतिष्ठा होती है मान सम्मान होता है वो उसके आर्टिफैक्ट से नहीं आता है वो उसके मर्चेंडाइज से नहीं आता है वो उसके आर्सेनल से उसके पास कितने वेपन्स हैं उनसे नहीं आता है कहाँ से आता है बाय वॉट दे स्टैंड फॉर एंड स्पिरिट दैट एनिमेट्स दैन वो कहाँ खड़े हैं वो किस चीज के लिए खड़े हैं किस चीज को बैक कर रहे हैं एंड उस चीज के आउटपुट कितने हैं ठीक है ठीके? आज की सीरीज में इतना ही जोसेफ नाई के कोर्ट से एंड करेंगे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट स्कूल टू लर्न सॉफ्ट पार ठीक है जी आगे आने वाली सीरीज में और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग